विश्वधाम सरकार की। पाकिस्तान में बट रहे बाबा बागेश्वर के पर्चे। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। राम तक्षण सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी राम कथा सुनाएंगे। इस्लामाबाद से लाहौर बागेश्वर धाम के चर्चे। तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? Who are you? राम पाकिस्तान हम डर गए। सरहद पार दरबार जाकिर गैंग में हाहाकार। ओम पूरी सेना दरबार में आवे। आपकी रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है, उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है, ये जो है ना ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री का चमत्कार है या ये कोई माइंड गेम? धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर बहस छिड़ी है। भारत में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन बाबा के सनातनी अवतार और उनकी लोकप्रियता देखकर पाकिस्तान में कई लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के चर्चे अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है, उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने पर्चे में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा एक वर्ष के अंतर्गत, और आपके पर्चे में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में लोग छिपकर बाबा के वीडियो देख रहे हैं। कट्टर पंथ की विचारधारा वाले देश में किसी सनातनी बाबा के चर्चे होने लगे तो ये पाकिस्तान में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक बार हमारी रामर से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। पाकिस्तान के घरों में भी अब बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है। धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करते हैं, इसलिए उनके वीडियो को देखकर कई लोग बौखलाए हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कट्टरपंथियों के देश में बाबा का प्रवचन कैसे सुना जा रहा है। बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। एकदम मतलब रट के आई है, ऐसा जवाब लगा था ऐसे ऐसे टॉपिक वो उठा रही थी जो हाँ, जो, न्यूज़ पे चलता हाँ, है। जो मीडिया पे चलता है हाँ। जो बदनाम करने के लिए चलता है ना, मुस्लिमों को हाईलाइट करते हैं, वो चीजें बोल रही थी। ठीक है, तो भाई वो चीज आप देखो, आप तो पहली बार मुस्लिम हो और मुस्लिम में मुस्लिम धर्म को आप जान रहे हो बचपन से ही। ठीक है, हम तो उतना नहीं जानते, हम रिएक्शन दे दे के ही जान रहे हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं तो ये है चीजें कि आप तो वो बोल रही है ना कि मैं मुस्लिम हूँ, तो भैया वो मुस्लिम है तो वो अपने बुक को ही नहीं पढ़ी है सबसे पहली बार। बाबा के दिव्य दरबार से पाकिस्तान के कट्टर गैंग में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस बात से हैरान है कि पाकिस्तानी लोग बाबा के दरबार में कैसे पहुंच रहे हैं। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, पाकिस्तान के जिहादी गैंग को मिर्ची लगी हुई है। सिंध पाकिस्तान, सिंध से घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्व से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व बाक में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है, पर्चा पढ़ते जाना, मंद बुद्धि है। हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है,
ढाई साल बैक है, डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया बैक है डॉक्टरी भाषा में, वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी, आशीर्वाद है। बराबर, कोई संदेह? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर कोई बाबा की प्रसिद्धि से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में कई YouTube चैनल पर बाबा के बोलने के तरीके को पसंद भी किया जा रहा है। ब्याह हो गो? कृष्णा क्या शादी हुई आप? है? अभी तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा जब। हाँ, टाइम हमने इनको देखे, ये कोई पार्टी में या फिर कोई वो योगी जी तो लग रहे थे, योगी कह सकते हैं इनको, योगी लग रहे थे। बाबा का सच जो भी हो, एक बात गौर करने वाली है, बाबा की प्रसिद्धि जैसे सात समंदर है, ठीक वैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के घरों में भी बागेश्वर धाम के प्रवचन सुने जाते हैं और उनके चमत्कार पर चर्चा भी होती है। जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य, गुरु जी आज से आप हमारे भाई हो, इन्होंने राखी भी बांधी। देखिए, बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुभी दासी रखा है। साफ है कि कट्टरपंथ के देश पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी तकरीरें नहीं चलती, सिर्फ भारत विरोधी भाषण और एजेंडा नहीं चलता। वहाँ मौलानाओं के भड़काऊ भाषण की जगह अब बाबा बागेश्वर की रामकथा ने लेनी शुरू कर दी है। इसलिए तो पाकिस्तान में बाबा के पर्चे के चर्चे हैं। पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर धाम के वीडियो चल रहे हैं तो उन्होंने कट्टरपंथी जाकिर नाइक की तकरीरों से बागेश्वर धाम के चमत्कार को चुनौती दे दी। इसमें बागेश्वर धाम नामी पंडित लोगों से कहता है कि मैं उनको उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ। तो क्या कोई इंसान किसी के हाथ की लकीरों को देख कर उसका मुस्तकबिल बता सकता है? क्या किसी को भी गैब का इल्म है? तो मेरा इस बारे में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। एक हिंदू औरत उस पंडित के पास जाती है और कहती है कि मेरा शोहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखता है। तो पंडित